नमस्कार, रफ्तार देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं डीजल गाड़ियों के बारे में। अब डीजल गाड़ियों में क्या ऐसा अलग है? अलग ये है कि मारुति सुजुकी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और वो ये कि वो 1 अप्रैल 2020 तक अपनी डीजल गाड़ियां बंद करने वाले हैं। तो क्या आपके पास डीजल के ऑप्शन कम हो रहे हैं? चलिए आज शुरुआत इसी से करते हैं। मारुति सुजुकी अप्रैल 2020 से डीजल गाड़ियां बंद करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और इसके पीछे की वजह ये है कि BS6 नॉर्म्स लागू होने वाले हैं। ऐसे में डीजल इंजन को BS6 में बदलना गाड़ी की कीमत को काफी बढ़ा देगा और पेट्रोल और डीजल मॉडल में फर्क काफी बढ़ जाएगा। इसलिए मारुति का फोकस अब पेट्रोल गाड़ियों पर ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मारुति डीजल कारों से दूरी ही बना लेंगे। फिलहाल ये तो कंफर्म है कि 1300 सीसी वाला छोटा डीजल इंजन बंद होगा, यानी छोटी गाड़ियों में डीजल का विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन अगर डिमांड रही तो हाल ही में लॉन्च हुआ मारुति का खुद का 1500 सीसी वाला डीजल इंजन अपडेट किया जाएगा। इस नए 1500 सीसी वाले DDIS 225 डीजल इंजन को भी आज टेस्ट करेंगे। मारुति की गाड़ियों को जाना जाता है उनकी किफायती कीमतों के लिए और अब मारुति को ये लगता है कि BS6 में डीजल इंजन को बदलने से गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए वो फोकस करने वाले हैं पेट्रोल इंजन पर। बलेनो और ऑल्टो को BS6 में लॉन्च कर दिया गया है, तो एक नज़र डाल लेते हैं कि इस BS6 इंजन के साथ बलेनो और ऑल्टो की कीमत में क्या डिफरेंस आया है। मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक बलेनो बन गई है देश की पहली BS6 रेडी का। अप्रैल 2020 की तय सीमा से काफी पहले मारुति ने बलेनो के इंजन और सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। बलेनो के मौजूदा 1.2 लीटर VVT पेट्रोल इंजन के सभी वेरिएंट्स में, जिसमें CVT भी शामिल है, अब BS6 रेडी होंगे। इसके साथ ही मारुति सुजुकी ने अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी बलेनो में इंट्रोड्यूस किया है। लिथियम आयन बैटरी के साथ स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और नए 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल VVT पेट्रोल इंजन वाली बलेनो जीटा और डेल्टा में उपलब्ध होगी। कंपनी के मुताबिक नए इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 25% तक कम करेंगे और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बलेनो को मिलेगा सेगमेंट बेस्ट 23.87 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। अब बात कीमतों की करते हैं और देखते हैं कि BS6 इंजन से बलेनो की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। सिग्मा वेरिएंट कीमत जो पहले 5,46,000 रुपए थी, अब होगी 5,58,000 रुपए और टॉप एंड अल्फा के लिए शोरूम कीमत पहले के 8,77,000 से बढ़कर हो गई है 8,90,000 रुपए। वहीं 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल VVT इंजन की डेल्टा वेरिएंट की कीमत है 7,25,000 रुपए और जीटा वेरिएंट की शोरूम कीमत है 7,46,000 रुपए। अब बात देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ऑल्टो की। ऑल्टो के फेसलिफ्ट में मारुति सुजुकी ने सेफ्टी फीचर्स तो दिए ही हैं, साथ ही इंजन को भी एमिशन नॉर्म्स के लिए तैयार कर दिया है और डेडलाइन से 1 साल पहले मारुति ऑल्टो BS6 रेडी है। नई ऑल्टो के लुक में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं, नई फ्रंट ग्रिल दी गई है, इंफोटेनमेंट सिस्टम नया है, साथ ही ABS EBD के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर, ड्राइवर साइड एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम और सीट बेल्ट रिमाइंडर भी दिया गया है। अब बात आती है कीमत की, तो BS6 इंजन वाली ऑल्टो की शोरूम कीमत रखी गई है 2,93,000 से 3,71,000 रुपए के बीच। वैसे हाल ही में मारुति ने अपना खुद का 1500 सीसी का डीजल इंजन नई सियाज में लॉन्च किया है और ये वो इंजन हो सकता है जो अगर डिमांड रही तो डीजल इंजन के तौर पर मारुति अपनी गाड़ियों में 2020 के बाद इस्तेमाल करेंगी। तो जायजा लेते हैं इस नए DDIS 225 इंजन का और इस नए इंजन के साथ नई मारुति सियाज का भी। सियाज और ये नया इंजन दोनों ही मारुति के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सियाज इस सेगमेंट की बेस्ट सेलर है, 30% सेगमेंट में सेल सियाज की ही होती है और इस सेडान के लुक को भी काफी पसंद किया जाता है। और ये इंजन इसलिए क्योंकि सुजुकी अपने खुद के डीजल इंजन पर काफी वक्त से काम कर रहे थे, अब आखिरकार इसे नई सियाज के साथ लॉन्च किया गया है। इससे पहले मारुति की गाड़ियों में फिएट के 1300 सीसी वाले इंजन का इस्तेमाल होता था और इस DDIS 225 इंजन को बनाया भी इस तरह गया है कि इसे BS6 में बदला जा सके।
ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि यही वो इंजन होगा जिसे मारुति 2020 के बाद भी जारी रख सकते हैं। सियाज को हाल ही में फेसलिफ्ट मिला था, जब फ्रंट ग्रिल में क्रोम के इस्तेमाल और नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे बदलावों से ये सेडान काफी अट्रैक्टिव हो गई थी। साथ ही मिला ज्यादा पावरफुल 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन। अब बारी है बदलाव की डीजल इंजन में, तो चलिए देखते हैं नए इंजन और नई सियाज की परफॉर्मेंस। तो आज हमारे साथ मौजूद है 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ ये नई सियाज। तो इस नए इंजन के साथ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, उससे पहले इस इंजन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये जो इंजन है DDIS 225, ये पहला इन हाउस डेवलप्ड इंजन है मारुति का। नया इंजन है 1500 सीसी का, ये जनरेट करता है 94 BHP की पावर और 225 Nm का टॉर्क। एक लंबा स्ट्रेच आपको मिलता है इस इंजन के साथ। अगर आप इसको एक्सलरेट करते हैं तो आपको पावर की कमी महसूस वहां पर नहीं होगी। आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी एक नया ऑप्शन के साथ यहां पर इस गाड़ी के अंदर मिलता है, और इस ट्रांसमिशन की वजह से ही मेरे ख्याल से जो इसकी ड्राइव क्वालिटी है, जो इसका राइड कम्फर्ट है, वो काफी इम्प्रूव हुआ है और चलाने में काफी कम्फर्टेबल ये गाड़ी अब हो गई है। DDIS 225 इंजन आपको डेल्टा, जीटा और अल्फा वेरिएंट में ही मिलेगा। बेस सिग्मा में नए इंजन का ऑप्शन नहीं है। साथ ही 1.3 लीटर डीजल इंजन का भी विकल्प फिलहाल तो आपको मिलेगा, जो पहले की तरह सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध है। लेकिन BS6 नॉर्म्स के बाद शायद मारुति सिर्फ नए DDIS 225 इंजन को ही जारी रखे। अब बात करते हैं पुराने और नए BS6 रेडी इंजन की कीमतों में आए फर्क की। DDIS 200 की कीमत है 9,19,000 रुपए से 11,02,000 रुपए के बीच। वहीं DDIS 225 की कीमत शुरू होती है डेल्टा के लिए 9,97,000 से, और टॉप एंड वेरिएंट अल्फा के लिए जाती है 11,37,000 रुपए तक। जो 1.5 लीटर के साथ इसकी फ्यूल इकोनॉमी है वो 26 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा है, और वो भी सेगमेंट बेस्ट ही है। तो फ्यूल इकोनॉमी के मामले में तो सियाज अब भी सेगमेंट बेस्ट नजर आती है। अगर आप कंफर्टेबल इकोनॉमिकल राइड अगर आप देख रहे हैं तो सियाज आपको जरूर पसंद आएगी। और इस कंफर्टेबल राइड के पीछे एक और जो रीजन है वो है इसका गियर बॉक्स। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स नया इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसकी गियर रेशियो को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये काफी स्मूथ पावर आउटपुट देती है, और क्लच भी काफी स्मूथ है, तो आप आराम से कंफर्टेबली इस गाड़ी को चला पाएंगे, कम से कम हाईवे पर। तो अगर आप ट्रैफिक में चलाते हैं तो वहाँ कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। अच्छी बात यह है कि नया DDIS 225 इंजन ज्यादा ताकतवर है, नया 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी है, लेकिन सिर्फ मैनुअल ऑप्शन के साथ, फिलहाल ऑटोमेटिक नहीं है। और DDIS 200 की तरह SHVS माइक्रो हाइब्रिड का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, ओकिनावा आईप्रेज। इस ओकिनावा आईप्रेज में ओकिनावा ने कुछ इंटेलिजेंट फीचर्स ऐड किए हैं, तो जायजा लेते हैं इन इंटेलिजेंट फीचर्स का और साथ ही इस नए स्कूटर की परफॉर्मेंस का। लुक्स के मामले में जो ओकिनावा का प्रेज है ये तकरीबन वही स्कूटर है, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसके लुक्स पर नजर डालना चाहें, आपको फ्रंट में जो लाइट दी गई है वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है, और यहाँ पर थोड़ा सा डायमंड कट स्टाइल का लुक इसमें दिया गया है फ्रंट में। अगर इसके आप व्हील को देखेंगे तो आपको सामने एलॉय व्हील्स दिए गए हैं फ्रंट में, और साथ ही इसमें दिए गए हैं डिस्क ब्रेक्स आगे और पीछे। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो आपको जो फ्रंट में यहाँ पर स्टोरेज मिलेगा की के नीचे, इसमें आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, 2 बोतल्स आप आराम से यहाँ पर फिट कर सकते हैं। इससे ऊपर आप यहाँ पर आएंगे तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल पूरी तरीके से दिया गया है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बैटरी के बारे में, स्पीड के बारे में। जो हैंडल बार है इसका, ये किसी पेट्रोल स्कूटर से शायद लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 ब्रेक्स 2 हॉर्न्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आमतौर पर हॉर्न के लिए एक ही जगह होती है, और जो ये वाली जो साइड है
ये सेल्फ के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो यहाँ पर सेल्फ का तो कोई इस्तेमाल है नहीं। अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ओकिनावा ने आई प्रेज, जो प्रेज इसका यहाँ पर बैजिंग हुआ करता था उसमें एक आई ऐड किया है। दिस इज फॉर आई प्रेज, क्योंकि इंटेलिजेंट स्कूटर है। इसके फीचर्स के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। अगर आप ग्रैब रेल की बात करेंगे तो ये भी काफी स्टाइलिश है, इसमें कट पीछे की तरफ दिया गया है और जो बैक लाइट है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। जो इंडिकेटर्स हैं वो साइड में एरो के स्टाइल में, बूमरैंग स्टाइल में ऐड किए गए हैं और पीछे की तरफ एक बड़ी सी बैकलाइट आपको इस स्कूटर में मिलती है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो जो इसमें बैटरी दी गई है वो अब रिप्लेस की गई है लिथियम आयन बैटरी से और उनको प्लेस किया गया है यहाँ पर सीट के नीचे। आप इन बैटरीज को अलग कर सकते हैं और एक एक करके बाहर निकाल सकते हैं। दो बैटरीज आपको मिलेंगी और इन बैटरी को मैं आपको बताऊंगा, जो बैटरीज हैं 36 वोल्ट की बैटरी है लिथियम आयन की ये, और इसको चार्ज होने में वक्त लगता है करीब 2 से 2.5 घंटे। और इस बैटरी के साथ जो इस स्कूटर को रेंज मिलती है वो तकरीबन 160 से 170 किलोमीटर की रेंज इस बैटरी के साथ ये स्कूटर आपको देता है। लेकिन इस बैटरी के साथ एक और जो ड्रॉबैक आपको इस स्कूटर में मिलेगा वो ये कि आपकी स्टोरेज जो एरिया है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी जगह इन बैटरीज ने ले ली है। ये MCB स्विच यहाँ पर दिया गया है इसकी पावर को ऑन ऑफ करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो इस लिथियम आयन बैटरी के साथ जो इसमें मोटर दी गई है वो है 1000 वॉट की मोटर, जो पीक पावर देती है करीब 2500 वॉट तक की। तो ये तो रही इसकी पावर की बात, इसकी बैटरी की बात। अब बात करते हैं इसकी स्मार्टनेस की, यानी कि जो आई इसमें जोड़ा गया है उसका क्या मतलब है, उसके साथ आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मोबाइल पर नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐप यहाँ पर ओकिनावा ने दी है। इस तरह से ये ऐप नज़र आएगी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ हमारा स्कूटर इस वक्त खड़ा है। यह आपको मैप के जरिए लोकेशन ये ऐप आपको बता देगी। फाइंड माई स्कूटर के जरिए आप अपने स्कूटर तक पहुँच सकते हैं और व्हीकल का स्टेटस आपका क्या है, उसकी स्पीड आपने कितनी चलाई है, इग्निशन ऑन है या नहीं है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, ये तमाम चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही है इमोबिलाइज करने का फीचर, यानी कि अगर आपकी मर्जी के बगैर आपका स्कूटर कहीं से मूव हुआ है तो आपकी आप उसके इंजन को बंद कर सकते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद उसको स्टार्ट या चलाया नहीं जा सकेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी की, कि आपको चलाने में ये स्कूटर कैसा एहसास देता है। तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उनका जो फील आपको मिलेगा वो पेट्रोल से एकदम अलग होता है। आपको उस तरीके का एक्सेलरेशन इसमें नहीं मिलेगा जैसा आपके एक पेट्रोल स्कूटर से एक्सपेक्ट करते हैं। इंस्टेंट पिकअप है ज़रूर, आप एकदम से महसूस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद आपको एकदम फ्लैट वो महसूस होगा, क्योंकि एक सर्टेन स्पीड के बाद कोई बदलाव आपको तब्दीली महसूस नहीं होगी पिकअप के मामले में। अगर हम इसके मोड्स की बात करें तो इसमें आपको 3 मोड्स दिए गए हैं चलाने के लिए। एक है इको मोड, जिसके लिए आपको राइड में स्विच मिलेगा एक्सेलरेटर के नीचे, जिसमें अगर आप इको मोड सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको चला पाएंगे तकरीबन 35 की मैक्सिमम स्पीड तक। अगर आप ये स्पोर्ट मोड सेलेक्ट करते हैं तो रफ्तार थोड़ी सी बढ़ जाती है स्कूटर की, 55 से 60 किलोमीटर तक की रफ्तार ये स्कूटर पकड़ सकता है। और इकोनॉमी के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी किफ़ायती ये स्कूटर है, क्योंकि एक चार्ज में ये 2 से 2.5 घंटे का चार्ज लेती है बैटरी चार्ज होने में, और एक चार्ज में 160 से 170 किलोमीटर की रेंज ओकिनावा स्कूटर के साथ क्लेम करते हैं। चलिए तो रफ्तार के सिलसिले को इस हफ्ते के लिए फिलहाल यहाँ पर रोकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते कुछ और नई गाड़ियों के साथ और कुछ और रिव्यूज़ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप हमसे जुड़ सकते हैं रफ्तार@anytv.com पर। नमस्कार।